हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ रियलिटी ऑफ इंडी गेम डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर आप एक इंडी गेम डेवलपर हो तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। और अगर आप नहीं जानते कि एक इंडी गेम डेवलपर क्या होता है तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसको मैं लिंक में डाल दूंगा कार्ड्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेकआउट कर लीजिए। उससे आपको पूरी आइडिया आ जाएगी कि एक इंडी गेम डेवलपर क्या होता है। ठीक है, तो बिना किसी तरीके हम लोग वीडियो को शुरुआत कर देते हैं और मैं बात करता हूँ अभी मल्टीपल चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडी गेम डेवलपर। तो मैं समअप करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ डेडलाइंस के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि एक गेम डेवलपमेंट करने के पीछे क्या क्या प्रोसेसेस रहते हैं और वो कैसे डेडलाइंस एक्सटेंड हो जाते हैं, वो एक चीज़ होगी। सेकेंड चीज़ हम बात करेंगे बजट के बारे में, और दोनों चीज़ को मैं इंटरलिंक करने का ट्राई करूँगा। डेडलाइंस और बजट वो कैसे हैंड इन हैंड जाते हैं वो मैं आपको पूरा एग्जाम्पल बताऊँगा। थर्ड चीज़ जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है आउटकम, मतलब आप एक गेम डेवलप करने के बाद जब इतना टाइम डालते हो तो उसका आउटकम क्या होगा, क्या आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन ब्रॉड टॉपिक्स होंगे और इसके रिलेटेड थोड़े इंटरट्वाइंड टॉपिक्स भी होंगे जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। बट चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चीज़ के साथ, दैट इज़ डेडलाइंस। दोस्तों, एक गेम बनाना इज ऑलमोस्ट एज इक्विवेलेंट एज क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर, बिकॉज आप एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो आइदर आपके मोबाइल डिवाइस पे चलेगा या पीसी के ऊपर चलेगा या तो कंसोल के ऊपर चलेगा, राइट। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक ही रूल है कि जब भी आपको एक डेडलाइन बनाते हो, डिसाइड करते हो, दैट डेडलाइन इज बाउंड टू गेट एक्सटेंडेड। एंड स्पेशली गेम डेवलपमेंट के केस में, क्योंकि गेम्स आर वेरी सब्जेक्टिव, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब गेम डेवलपर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि यार ये फीचर थोड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, ये फीचर ऐड कर देते हैं। फिर बाद में वो फीचर जब ऐड कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यार एक और फीचर आइडिया आ गया मेरे दिमाग में, अब इसको भी ऐड कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि गेम की जो डेडलाइन है, डेवलपमेंट डेडलाइन है, वो आगे बढ़ती जाती है। एंड मोस्ट केसेस में, ऑलमोस्ट 99% आप बोल सकते हो 100% केसेस में जो डेडलाइंस होते हैं वो एक्सटेंड हो ही जाते हैं, आइदर बाय अ डे, टू डेज, अ वीक और अ मंथ, और इन सम केसेस ईयर्स, राइट। तो इस केस में एज एन इंडी गेम डेवलपर आपके पास ज़्यादा बैकिंग नहीं रहती इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, राइट, क्योंकि आप एक इंडी गेम डेवलपर हो, जो भी आपने पैसे लगाए हैं अपने गेम डेवलपमेंट के ऊपर, आइदर आपने अपनी जेब से खर्च किए हैं या तो फिर क्लाइंट सर्विसिंग करके खर्च किए हैं, राइट। तो आपके पास एक लिमिटेड बजट रहता है, इसी वजह से सबसे पहला चैलेंज बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहता है, दैट इज़ मीटिंग योर डेडलाइंस। और कई सारे डेवलपर्स हैं जो इसको अच्छे से मैनेज करते हैं, एंड वो इसलिए मैनेज कर पाते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कि गेम की जो डेडलाइन है वो मिस होने वाली है, इस वजह से वो लोग खुद के लिए बफर्स भी प्लान करते हैं। अब बफर्स क्या होते हैं? बफर्स बेसिकली एक एक्स्ट्रा टाइम पीरियड रहता है। मान लेते हैं अगर आपको लगता है कि गेम डेवलप करने में आपको इतना टाइम लगने वाला है, राइट, तो आप अपने दिमाग में सोच लेते हो कि इतने के बदले आपको इतना टाइम लगेगा, राइट। तो बेसिकली आप साइकोलॉजिकली खुद प्रिपेयर रहते हो कि अगर गेम की डेडलाइन मिस भी हो गई तो फिर भी हम पैनिक नहीं करेंगे, एंड कुछ ना कुछ करके जो एक्सटेंडेड डेडलाइन है उसको हम लोग अचीव करेंगे। सो जब भी आप डेडलाइन प्लान करते हो, ऑलवेज प्लान फॉर बफर्स, बिकॉज बहुत सारे अननोन वेरिएबल्स रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। मे बी आप जो फाइल्स के ऊपर काम कर रहे हो उनका बैकअप खो सकता है, या फिर आपका जो प्रोग्रामर है जो गेम के ऊपर काम कर रहा है वो बीमार पड़ सकता है, या फिर आपको जस्ट जो आउटपुट है वो पसंद नहीं आ रहा है वो भी हो सकता है, या फिर प्लेयर्स जो आपका गेम टेस्ट करने के बाद गेम खेल रहे हैं उनका फीडबैक पॉजिटिव नहीं हो सकता, जिस केस में आपको गेम लॉन्च करके भी मतलब नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली आप गेम प्लेयर्स के लिए बना रहे हो, राइट। तो काफ़ी सारे अननोन वेरिएबल्स रहते हैं जो आपको डेवलपमेंट जब आप प्लान कर रहे हो तब पता नहीं रहते, इस वजह से डेडलाइंस एक्सटेंड होती है। सेकेंड चीज़ हम बात करते हैं अभी बजट्स के बारे में। इवन इफ अगर आप एक सोलो गेम डेवलपर हो, आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आएगा कि यार मेरा क्या खर्चा जा रहा है, राइट। अब मैं तो अकेला बैठ के कंप्यूटर के ऊपर कुट 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 करके टाइप करके कुछ ना कुछ गेम बना रहा हूँ, मेरा इसमें क्या खर्चा जा रहा है? तो दोस्त, खर्चा जा रहा है। खर्चा बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जा रहा है, आपके इंटरनेट का जा रहा है, आपके खुद के खाने पीने का एक्सपेंसेस जो रहता है वो जा रहा है, और आप टाइम डाल रहे हो, अपना टाइम डाल रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, आपने वो फ्रेज सुना होगा टाइम इज़ मनी, राइट। तो अगर आप कोई टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो गेम डेवलप करने के पीछे, दैट इट्सेल्फ इज एक्चुअली मनी। तो आप अगर उस हिसाब से एस्टिमेट करोगे, उस हिसाब से सोचोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार हाँ मेरा तो एक्चुअल में इसमें खर्चा जा रहा है। तो आपके टाइम की वर्थ कुछ भी हो सकती है, आप मे बी महीने का 20,000 रुपीज़, महीने का 30,000 रुपीज़, 40,000, 50,000, जो भी आपको लगे, राइट, वो आपके टाइम की वर्थ है। और आप हमेशा एक एक्सपेक्टेशन रखोगे कि जब मैं गेम लॉन्च करूँगा तो इस दिन पे या फिर इतने महीने में मेरा इतना अर्निंग्स होगा, राइट।
तो आप ये सारी चीज़ें दिमाग में फैक्टर इन करके रखोगे तो आप अलग नज़रिए से सोचोगे और आप सक्सेस की टूवर्ड्स काम करना स्टार्ट करोगे, राइट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका डेडलाइन एक्सटेंड होता है तो आपका बजट भी बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं अगर आपने सोचा है कि 5 महीने मेरे लगने वाले हैं और 5 महीने के हिसाब से मेरे गेम का खर्चा 5 लाख होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और डेडलाइन एक्सटेंड हो गई बाय 3 मंथ्स, विच बेसिकली मीन्स दैट अभी आपको और 3 महीने काम करना है और 5 लाख, 5 महीने के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ पर मंथ जा रहा है, विच मीन्स दैट अगले 3 महीनों के लिए आपको और 3 लाख अरेंज करने होंगे, राइट? तो ये सिंपल सा मैथ कैलकुलेशन है। एंड जितना डेडलाइन एक्सटेंड होता रहेगा उतना कोई आपका गेम खेलेगा नहीं, बिकॉज वो लॉन्च नहीं हुआ है एंड उस वजह से आपकी कोई अर्निंग्स नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें प्लान करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से आपके पैसे कमाएंगे और फिर बाद में वो अगर गेम मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है तो उस टाइम पे आप कैसे खुद को सस्टेन कर पाओगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़नी ज़रूरी है। अब बात करते हैं आउटकम के बारे में, जो मेरा तीसरा पॉइंट है। दोस्तों, जब आप एक इंडी गेम डेवलप कर रहे हो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका गेम सक्सेसफुल होगा या नहीं। इट डज़ नॉट मैटर आपने उसमें कितनी मेहनत की है, इट डज़ नॉट मैटर आपने कितना टाइम डाला है, कितने पैसे खर्च किए हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉयल्स डाउन टू यूजर्स रिसेप्शन ऑफ द गेम। अगर यूजर्स को गेम पसंद नहीं आता तो वो गेम सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर आपने अपने गेम की अच्छी खासी मार्केटिंग नहीं की, लोगों को तक अपने गेम को नहीं पहुंचाया, तो वो गेम सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर आपने गेम की मार्केटिंग की और बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, बट आपका कोर गेम लूप ही एंजॉयबल नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो उस केस में भी चांसेस है कि आपकी गेम अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी, राइट? एंड दैट विल बेसिकली मीन कि आपके जो फाइनेंसेस है वो फिर बाद में पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो ये चीज़ कभी गारंटीड नहीं रहती कि आपका गेम सक्सेसफुल होगा कि नहीं। कभी कभी लक बाय चांस एकदम वायरल चला गया, रातों रात सक्सेसफुल भी हो सकते हो, बट कभी भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपका गेम, पहला गेम, दूसरा गेम, तीसरा गेम एकदम आपको रातों रात करोड़पति लखपति बना देगा, बिकॉज इन मोस्ट केसेस ये चीज़ नहीं होती। कोई कोई गेम्स ऐसे भी है जिनके 100 डाउनलोड्स है, कोई कोई गेम्स ऐसे भी है जिनके 500 डाउनलोड्स है, किसी गेम के 5000 डाउनलोड्स है, राइट? एंड उस हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो गेम ने कितना कमाया है, अगर आप उनकी लिस्टिंग प्राइस वगैरह देखोगे तो उस हिसाब से। अब आप बोलोगे कि यार इतने सारे गेम्स हैं जिनके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स भी है, यार हम क्या डिफिकल्ट है, हम भी बना लेंगे, हम भी डालेंगे, हम भी पॉपुलर बनेंगे। बट दोस्त, रियलिटी इज़ नॉट दिस। एक गेम जिसके पीछे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स है, उसके अगेंस्ट, उसके सामने कई सारे ऐसे भी गेम्स हैं जिनके 100 डाउनलोड्स भी नहीं हो पाते, एंड दैट इज़ जस्ट द प्लेन रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। तो अगर आप एक इंडी गेम डेवलपर हो तो अपने गेम को अच्छे से प्लान आउट करो, अपने आगे पीछे के फाइनेंसिस को अच्छे से प्लान आउट करो, एंड यू नो बी ऑन दैट जर्नी। बिकॉज आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि यार अगर ये गेम काम नहीं किया, कोई दूसरा गेम काम कर जाएगा, तीसरा गेम काम कर जाएगा, एंड उसी हिसाब से आपको अपने चीज़ों को सोचना है कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते तब तक आपको बस ट्राई करते रहना है। क्योंकि भले आपका पहला गेम फेल हो, दूसरा गेम फेल हो, चौथा गेम फेल हो, 10वां गेम फेल हो, बट हर बार एक चांस रहता है, एक होप रहता है कि जब आप एक 12वां गेम बनाओगे शायद वो सक्सेसफुल हो, वो पॉपुलर हो जाए, राइट? तो वो होप के साथ बने रहिए, नो मैटर वॉट आपको लोग कहेंगे कि यार ये इसको परस्यू मत करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जस्ट बिलीव इन वॉट यू आर बिल्डिंग एंड मेक श्योर कि आप एक अच्छा एक्सपीरियंस बना रहे हो। ऑफ कोर्स दिस डज नॉट मीन कि आप एक रैंडम कोई भी गेम बना के डालो और एक्सपेक्ट करो कि यार ये रातों रात पॉपुलर हो जाएगा। आपको एक्चुअल में रियल एफर्ट डालना पड़ेगा वहाँ पे टू एंश्योर कि आप जेन्युइनली एक अच्छा गेम बना रहे हो, कुछ एक नया ऑफरिंग दे रहे हो। बिकॉज आप दूसरी साइड पे रह के देखिए, आप ऐसे गेमर ऐसे गेम्स खेलना चाहोगे जो यूनिक है, जो कुछ नया आपको ऑफर करते हैं। भले आप बैटल रॉयल गेम्स खेलते हो, भले आप ओपन वर्ल्ड गेम्स खेलते हो, भले आप रेसिंग गेम्स खेलते हो, भले आप सिंपल कैजुअल पजल गेम्स खेलते हो, कुछ ना कुछ एक नया चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हो, राइट? एज अ यूज़र, तो आप एज अ यूज़र पर्सपेक्टिव वहाँ पे देखिए, फ्रॉम अ प्लेयर्स पर्सपेक्टिव, कि प्लेयर्स आपके गेम में क्या देखना चाहेंगे। एंड जब आप उस पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो डेफिनेटली आप इवेंचुअली एक अच्छा गेम बना पाओगे। सो दैट्स इट दोस्तों, ये थी कुछ रियलिटी अबाउट द इंडी गेम डेवलपमेंट स्पेस। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी इंसाइट्स मिली होगी इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंडी गेम डेवलपमेंट और क्या क्या रिस्क और स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं।
विद दैट इन माइंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने इंडी गेम डेवलपर्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं बताऊँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।